मम्मी! क्या हुआ? पापा, आप ठीक तो है ना पापा? सूरज निकलते ही उठ जाना चाहिए। सूरज कब का निकल चुका है और तुम अब तक सो रही हो। ये आदतें यहाँ तो ठीक है, पर जब ससुराल जाओगी भारी पड़ सकती हैं। ये भी कोई उठने का टाइम है। पापा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मम्मी, डायनेमिक जज को एक बुरे सपने ने डरा दिया? ऐसा क्या देखा सपने में? वो मैं आपको अब बता दो बेटा। मैं नहीं बता सकती। बेटा, मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है, बता दो। वो हाँ, मम्मी के खाने से तंग आकर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और वो केस मेरे पास आया है। सच्ची? ये कोई बुरा सपना नहीं, ये तो बहुत अच्छा सपना है जो इतने सालों से साकार हो ही नहीं रहा। चुप करो, तुमने मुझे खाना बनाने ही कब दिया? अपनी लाडली बेटी लक्ष्मी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगे यही कहते रहे हमेशा। बेटा, ये सब झूठ मूठ के बहाने हैं। इन्होंने ही मुझे किचन कलेक्टर बनाया। हाँ, बस करो अब। आज शुक्रवार है, मंदिर जाकर आती हूँ। आज क्या भगवान को टॉर्चर करना है? आज मैं काली मंदिर जा रही हूँ। भगवान काली मैया को इससे बचाना। टाइम से काम पर जाना। मैं टाइम का पक्का हूँ, इसलिए आप भी टाइम पर उठा कीजिए जज साहिबा। पापा प्लीज, फिर से वही सब शुरू मत करो ना, मुझे देर हो रही है, नहा के रेडी होना है। एटम बॉम्ब का आविष्कार हो गया, ये डायबिटीज का इलाज कब मिलेगा? जज साहिबा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर ये शादी की बात है ना पापा, तो मुझे इसमें एक रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, हमेशा यही कहती रहती हो, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तेरी सारी फ्रेंड्स की शादियाँ हो गई और उनके दो दो बच्चे भी हो गए। माँ, मुझे शादी और इधर उधर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब बार बार ताने देना बंद कर दो। तो मैं क्या करूँ? जो भी लड़का देखने आता है सुनता है तू जज है तो भाग जाता है। तो भागने दो। मेरी बेटी से वही शादी करेगा जो खुद आदर्शों और उसूलों का पक्का होगा, और ये खूबियां किसी लड़के में नहीं है सिवाय उस राहुल के। हा? राहुल, ये कौन है? मैंने बताया था ना, वो NRI लड़का। दिखने में बहुत हैंडसम है, जोड़ी खूब जमेगी। तुम्हारा कैरेक्टर देखकर जिसने तुम्हें पसंद किया है वो खुद कितना हिम्मत वाला और नेक दिल होगा, उससे मिल लो ना। ठीक है पापा, आपको अगर उस पर इतना भरोसा है तो मैं आज शाम को उससे मिलकर अपना जजमेंट दे दूंगी। बेटा, जजमेंट मेरे हक में होना चाहिए। हाँ, मेरा जजमेंट आपके हक में नहीं, न्याय के हक में होगा। चलती हूँ। थैंक यू बेटा, मेरी प्यारी लाडली बेटी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को लड़कों से अकेले में मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे पुराने शिव मंदिर में बुलाया है। कोर्ट के बाद जाकर उससे मिल लोगी ना? हम चाहते थे तुम्हारी पहली मीटिंग मंदिर में हो, ताकि भगवान आशीर्वाद दे दे। ओह, तो ये आपकी पहले से प्लानिंग है, लेकिन मुझे तो लास्ट मिनट पर बताया। सब कुछ प्लान नहीं किया, बस कुछ कुछ प्लान किया है। कोर्ट जाने का टाइम हो गया है, शाम को मिलती हूँ। कोट पहन कर जाना। फैसला मासूम लड़कियों के हक में जाएगा या एक बार फिर वैकुंठ लक्ष्मण जैसे बड़े अपराधी बाइज्जत परी हो जाएंगे? कंटिन्यू योर ऑनर। प्लीज रिमूव योर सनग्लासेस, दिस इज माय कोर्ट एंड माय ऑर्डर। कंटिन्यू। मेरे क्लाइंट वैकुंठ का कंटेनर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और ये कंटेनर्स लोगों को भाड़े पर देता है। सलीम नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक कंटेनर इन्होंने भाड़े पर दिया था। उसमें लड़कियां कैसे आईं? इस बारे में मेरे क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं माई बाप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सलीम बेग नाम का कोई आदमी ही नहीं है। इस केस को भटकाने के लिए जाली सबूत तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हम पहले ही इस अदालत में उन 10 लड़कियों का स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं। प्लीज उन सबूतों की जांच करके फैसला सुनाइए, मासूम लड़कियों को न्याय दीजिए। मैडम, मेरा नाम शैलिजा है, मैंने बीटेक की पढ़ाई की है।
मैं एक अच्छी जॉब करके अपने पेरेंट्स की लाइफ बेहतर बनाना चाहती थी, पर वैकुंठ के गुंडों ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर किडनैप कर लिया और दुबई भेजने की कोशिश की। मैम, उन्होंने हमें टॉर्चर किया मैडम और ड्रग्स के डोज भी दिए। वैकुंठ ने हमारे शरीर को सिगरेट से जलाया। मैम, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैम, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम वैकुंठ लक्ष्मण को धारा आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज adjourned। रुक, मैंने तुझे रिश्वत दी, तुझे मारने की धमकी दी, बस तू नहीं मानी। एक औरत होते हुए भी तुझ में इतनी अकड़ क्यों है? जंगल में शिकार करते वक्त अगर शेरनी सामने आ जाए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शेरनी शेरनी होती है। बहुत अकड़ है इसमें। हे भगवान, प्लीज रक्षा करना, प्लीज रक्षा करना। ये कौन है, कहाँ है, प्लीज। हे हाय, आई एम राहुल, इट्स मी राहुल। हाय, चलिए कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ, प्लीज कम। पापा ने तुम्हारी फोटो दिखाई और पीछे पड़ गए कि मैं तुमसे मिलूं। पता है, मैं तो न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही आया हूँ। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो ये फैसला लिया? तुम लोगों की भलाई के बारे में ही सोचती हो, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा न्याय का साथ देती हो। ऐसी खूबी हर किसी में थोड़ी ना मिलती है। देखो, मेरे लिए तो पति और पत्नी दोनों एक ही समान है, दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे मेरे मन का जीवन साथी मिले। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी पति पत्नी में बिल्कुल फर्क नहीं करता। हाँ? और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ। हाँ? अरे, मेरे दोस्त तो मुझे मास्टर शेफ कहते हैं। सच में? हाँ? चलो। तो क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? कर सकती हूँ, तुम जो बोलो। मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? हाँ। यस। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि सीधा स्वर्ग भेजना चाहता हूँ। मेरे भाई को जेल भेजने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने भाई को जेल भेजा, हम तुझे ऊपर भेज देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है। पहली बार मेरा जजमेंट गलत हो गया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मौत की सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी। मुझे छोड़कर क्यों चली गई मेरी बच्ची? हमें छोड़कर क्यों चली गई बेटा? तुम तो कहती थी कि मेरे पापा ही सब कुछ हैं। अब अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? मुझसे बात करो लक्ष्मी।
मैडम की मौत का हमें बहुत अफसोस है। इनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। मेरी बेटी की मौत पर जश्न मनाना है, मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। क्या तुम उसे वापस जिंदा कर सकते हो? अपनी आखिरी सांस तक मेरी बेटी न्याय के लिए लड़ती रही, गुनहगारों को सजा देने का साहस दिखाया। इसका क्या सिला मिला है मेरी बेटी को देखो, अब इसका मजाक उड़ाने आए हो? जाके कह दो अपनी सरकार को, न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों का ये हश्र नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए हमें सरकार का सम्मान, हम तो बस चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कद्र हो। जाकर बताओ ये सरकारी अधिकारियों को, उसके बाद मुझसे बात करना। अब मेरी बेटी को ऐसी कोई झूठी शान की जरूरत नहीं है। सब चले जाओ, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी भले ही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर न्याय की देवी अब भी जिंदा है। वो अपराधियों को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। गुड मॉर्निंग पापा, आज भी आप ही मेरे लिए कॉफी बना कर लाए हो। यस yes. वैसे माँ आज किस भगवान को टॉर्चर करने गई है? महाकाली मैया को। वैसे पापा, आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। बेटा, तेरे बाप ने तुझसे एक चीज मांगी थी, उसका कुछ किया? सॉरी पापा, उस हादसे के बाद से मेरा मन शादी से बिल्कुल उठ गया है। बेटा, पंछी के पंख पर चोट लग जाए फिर भी वो आसमान में उड़ने की कोशिश करता रहता है। After all, we are human beings. एक मनहूस हादसे की वजह से क्या हम जिंदगी जीना छोड़ दें, जिंदगी से हार जाएं? उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा। क्या बात है, बाप बेटी सुबह सुबह गप्पे लगा रहे हैं? मुझे भी तो बताओ, आज तेरे नाम से प्रसाद चढ़ाया मैंने, ला टीका लगा दो। क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों गई? नहीं वो अभी नहीं, मैं नहाने के बाद टीका लगा लूंगी। बिना नहाए टीका नहीं लगाना चाहिए, मैं नहा के आती हूँ। क्या हो गया इस लड़की को, ना मंदिर जाती है ना टीका लगवाती है। हमारी बेटी बदल गई है। ये मेरे अंकल का नया घर है, कैसा लगा? कैसा है मतलब? एकदम भूत बंगले जैसा है, लगता है भूत के पिक्चर का सेट है। सिचुएशन के हिसाब से लोकेशन परफेक्ट है। अरे भूत नहीं लेकर ढूंढने पर भी ऐसा डरावना भयानक घर नहीं मिलेगा। समझ ले अपनी मूवी सुपर हिट हो गई है। शकल से पक्के ठग लगते हो, कौन हो तुम? मैंने पहले ही बोला था, सस्ते चश्मे पहनेगा गुंडा ही लगेगा। वो अंकल, हम दोनों कोई ठग या चोर वोर नहीं है। तो कौन हो? मैं हेमंत हूँ, नरेंद्र कुकराज का बेटा। ओ, तुम नरेंद्र के बेटे हो क्या? तुम्हारे पापा ने बताया था तुम आने वाले हो, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं अंकल, हुई ना यार, पहले पुराने वाले घर में पहुँच गए थे। हाय हाय, तुम लक्ष्मी हो ना? हाँ, बचपन में हम दोनों साथ में खेला करते थे। अच्छा, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करती थी। यानी बच्चा हो या बड़ा, बचपन से आज तक कुत्ते की तरह पिटाई हो रही है तेरी। तुम्हारे साथ ये खच्चर कौन है? मेरा घोस्ट राइटर, मतलब मेरा असिस्टेंट राइटर। वो मैं एक भूतों पर शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। मतलब हॉरर? क्यों, भूतों से डर लगता है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो खुद भूत हूँ। अपनी हॉरर फिल्म के लिए भूत का रोल ऐसे ही देंगे? और ये है कौन? भगवान, ये मेरे दोस्त नरेंद्र का बेटा है। अच्छा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मेरी धर्म पत्नी धर्म की बहुत पक्की है। चलो अंदर आओ। Cheers. Cheers. आपको अभी सिर्फ कंडीशनल बेल मिली है, इसलिए लोगों की नजरों में ज्यादा मत आइए। ओके भाई, आपको हाई कोर्ट से बेल मिलने की खुशी में हमारे छोटे भाई ने पार्टी अरेंज की है। मुझे उस लक्ष्मी की वजह से 6 महीने नर्क जैसी जिंदगी काटनी पड़ी, इसीलिए तो उस लक्ष्मी को भाई हमने नर्क भेज दिया है। सब तरह तेज दिमाग का खेल था, एंजॉय। ये
क्या क्या कैसे चला रहे हो तुम लक्ष्मी? क्या लक्ष्मी थोड़ी सी पी के चल गई क्या? भाई मैंने अभी लक्ष्मी को देखा। क्या कहा तूने? लक्ष्मी को देखा? मर के कोई वापस आता है क्या? भाई अपने सर की कसम खाकर कहता हूँ। चुप बैठ। मेरा विश्वास कीजिए भाई, मैंने लक्ष्मी को देखा। वो बस से हम सबको कुचलना चाहती थी। क्या रे, तूने तो खुद उसे अपने हाथों से मारा था ना, तो वो वापस कैसे आ सकती है? भाई ये सब मुझे नहीं पता, पर मैंने उसी को देखा है भाई। ए राहुल, लक्ष्मी की मौत के बाद से तेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, अरे खुद को संभाल। आधी रात को अलार्म लगा के नींद की क्यों बैंड बजा रहा है? सुबह ठीक से जागने नहीं देता और रात को चैन से सोने नहीं देता। ए, हम एक हॉरर मूवी शूट कर रहे हैं, आधी रात को अगर पिक्चर शूट करेंगे तभी तो ऑडियंस को भूत टाइप वाली फीलिंग आएगी। ये देख, इविल डेड मूवी डाउनलोड की है, चल देखते हैं। अरे गधे पागल सुअर, ये टाइम तो सनी लियोनी की फिल्म देखने का है और तू रात को भूत की पिक्चर देख रहा है? अबे रात के वक्त सनी लियोन से ज्यादा थ्रिलिंग होता है भूत की चीखें सुनना। आजा देखते हैं। ये भूत भूत सच में होते हैं क्या? मैं क्या इनका रिश्तेदार हूँ? नहीं मुझे नहीं पता। सुनना, मैं लाइफ में एक बार भूत को देखना चाहता हूँ। तू रो क्यों रहा है? डर लग रहा है क्या तुझे? मैं कहाँ रो रहा हूँ, रो तो तू रहा है। मैं कहाँ पर रो रहा हूँ? तो मैं भी नहीं रो रहा। तो कौन रो रहा? बाहर देखकर आते हैं, चल। डर मत। उधर कुछ देखा तूने? मैंने भी किसी को जाते हुए देखा। चल देखते कौन था। पहले तू बता मूवी का डायरेक्टर कौन है, तो जाना जाना, ऑल द बेस्ट, जा। चलो एक डरी हुई सेल्फी ले लेता हूँ। क्या चिकना दिख रहा हूँ, इतना हैंडसम गोरिला कभी नहीं देखा। अबे क्या कर रहा, चिल्लाता क्यों? मैं कर रहा है, अब डरा दिया मुझे। भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। क्या एक्टर है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट राहुल बिल्कुल बेगुनाह है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि लक्ष्मी माथुर का कत्ल इन्होंने किया है। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दोषी राहुल शाह को निर्दोष करार दिया जाता है। यस। जस्टिस लक्ष्मी के कातिल को पकड़ने के लिए यह अदालत पुलिस को सख्त से सख्त आदेश देती है। यस सर। यस। एक जज को मारने वाला आदमी बरी हो सकता है, तो एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा?
उसे तो सजा तब मिलेगी जब न्याय की देवी अपनी आंखें खोलेंगी या लक्ष्मी खुद जिंदा होकर वापस आएगी। जीतना तो था ही। बोलो क्या बात करनी है। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? हम चाहते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म में आप हीरोइन का रोल हीरो की तरह करें। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज दीदी, हर कोई जानना चाहता है कि मौत के बाद इंसान का आखिर होता क्या है। हमारी शॉर्ट फिल्म से आप अपनी आत्मा को नर्क में जाते हुए देख पाओगी। इतना बम्पर ऑफर, सॉरी नहीं चाहिए। दीदी प्लीज प्लीज मान जाओ ना दीदी। दीदी छोटे भाई के लिए इतना नहीं करोगे क्या? प्लीज तुमने तो भिखारियों को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है मैं पिक्चर करूंगी लेकिन लेकिन मुझे स्टोरी पसंद आनी चाहिए। स्टोरी हेमंत ने लिखी है, गारंटी देता हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक्चुअली ये एक रिवेंज ड्रामा है। उसके बाद वो लड़की उन तीनों आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, वो लड़की भूत है ही नहीं। एक्चुअली हम ये सस्पेंस लास्ट तक खोलेंगे नहीं। ये है क्लाइमैक्स। एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है दीदी को हमारी स्टोरी सुपर हिट लग रही है। सुन 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 सुन, डिटेल में स्टोरी सुना। ओके, ओपनिंग सीन, रात का वक्त, घड़ी में 2 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। उन तीनों में से एक कातिल गाड़ी में सुनसान रास्ते से जा रहा है। सड़क के किनारे वड़ा पाव का स्टॉल है, गर्मा गर्म वड़ा पाव तेल से निकल रहे हैं। हमारा कस्टमर और चटनी डालने के लिए उससे झगड़ा कर रहा है। कार आगे बढ़ रही है, उसके बाद अचानक से एक परछाई दिखती है। गाड़ी के आगे एक वैन रुकती है। लड़की को लगता है कातिल मर गया है। उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है, वो वहां से भाग जाता है। बताओ कैसा लगा सीन? सीन तो अच्छा है पर अगर मैं इसकी तैयारी कर लूं तो अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगी। क्या बात है, सही है। नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, दीदी को सीन का स्क्रीन प्ले दे देते हैं, रात भर तैयारी कर लेंगी और हम कल रात शूट करेंगे। स्क्रिप्ट देने की क्या जरूरत है, व्हाट्सएप कर देते हैं ना। चल ड्रिंक एंड ड्राइव। चल आ जा फाइन वर। कितना देना है जल्दी बोल, इधर ही देके निकल लूंगा। वो जज तय करेंगे, चल बाहर आ। फाइन काटेंगे। वो अंदर है, जाके फाइन भर दे। ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल है। कितना फाइन है बोलना, तेरे मुंह पर फेंक के चला जाऊंगा। जितना मांगूंगी उतना। हाँ तू जल्दी बोलना, टाइम नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओ तो फाइन मार सकती हूँ। ड्रिंक करके ड्राइव करो तो फाइन मार सकती हूँ। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने पर कितना फाइन होता है पता है? बोलना कितना होता है? तेरी मौत। ए, तुम लक्ष्मी? हाँ मैं। मरने से पहले मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई थी, अब वो सजा देने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। शादी के बहाने तुमने मेरा खून किया, कोर्ट में न्याय का गला घोटा, अच्छाई की रक्षा करने के लिए राक्षसों का वध करना पड़ता है। चल उठ। मुझे नहीं, नहीं, नहीं!
गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलने पर हो सकता है तो अदालत से बरी हो जाए, पर लक्ष्मी की अदालत से कभी नहीं। रात को मैं कहीं नहीं गई थी पापा। झूठ, तू रात को कहीं गई थी, तू अपने बेडरूम में नहीं थी। अरे मैं बाथरूम गई हुई थी पापा। तू बाथरूम में नहीं थी, मैंने खुद देखा है। क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हो मेरी बेटी पर इस तरह? रात को कमरे में सोएगी और क्या करेगी? अब तुम भी इसके सुर में सुर मिला रही हो, तुम दोनों को तो मैं। भैया क्या हुआ भैया? एक नहीं सुनती मेरी, अब तुम ही समझाओ इसे। कल रात भर बाहर थी, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शांत भैया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? हाँ तो जाओ, तुम ही समझाओ। ओके, जाओ समझाओ। ओके मैं बात करती हूँ। अपने पापा की बात क्यों नहीं मानती? उन्हें बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है लक्ष्मी। तो इसका मतलब मैं घर पे पड़ी रहूं? लेकिन वो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं ना? ओह नो प्रॉब्लम। घाव अब पूरी तरह से भर चुके हैं, मेडिसिन लिख के देती हूँ, लगा लेना। पता चला? नहीं भाई, प्लानिंग बहुत अच्छे से की है किसी ने, एक क्लू तक नहीं छोड़ा। इसे इसी की कार में किडनैप करके उस मोबाइल कोर्ट वैन में ले जाया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जल्दी ही क्रिमिनल्स हमारी हिरासत में होंगे, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद की भी जरूरत है। मैं तैयार हूँ। ए चल रहे, मुझे हर हाल में राहुल का खोनी चाहिए। पुलिस कातिल को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी, पर अगर वो हमारे हाथ लगा तो जिंदा गाड़ देंगे। मुझे वो हर हाल में चाहिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे क्या हुआ? ये अच्छी सी हॉरर फिल्म लगा। अरे तुझे क्या पता यार, ये एकदम क्लासिक गाना है यार। अगर गाना हॉरर होता तो और क्लासिक लगता। हॉरर गाना? हाँ। लेकिन कैसे बताओ? क्या है? ये पकड़। ओपनिंग सीन, हीरो फिल्म में अंधा है, यानी एक अंधा भूत। आगे तो सुन, हीरोइन अब्बा चपड़ा बोल नहीं सकती, यानी अंधे के साथ गूंगी भूतनी। अगर ये गाना इस तरह पिक्चराइज हो जाता तो मजा आ जाता। मजा आता है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रोड्यूसर हमें आकर टमाटर जरूर मारेगा। टफर, कभी कभी लगता है तू अकल से पैदल है। चल रिमोट दे। कल रात आधे तक हुए कत्ल से चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। राहुल जिसका बेरहमी से खून किया गया था, दरअसल उसी की गाड़ी से उठाकर कुछ गुंडे एक मोबाइल कोर्ट वैन में लेकर आए। खून किसने किया ये अभी तक सवाल बना हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन देखा के हाथ कोई ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था। हाँ यार, खूनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तूने लिखा था। सच सच बता, तूने मेरी स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर को बेच तो नहीं दी? बस यही काम बाकी, मैं तेरी बी ग्रेड की स्क्रिप्ट बेचूं? मैंने जो सीन लिखा था वो सिर्फ दो लोग ही जानते थे। कौन दो? तू और दीदी। तूने नहीं किया तो चल दीदी से पूछ। जल्दी करो यार, मैंने अब तक ये सीसीटीवी फुटेज फाइल नहीं की है। क्या दिमाग खराब करा, रुकना। ए तू जरा जल्दी कर यार, मेरी बात सुनो। जहाँ वैन खड़ी थी और जहाँ राहुल की लाश मिली, उसके बीच कुल मिलाकर 22 किलोमीटर का फासला है। उस रास्ते पर कुल 9 सीसीटीवी कैमरे हैं, पर सिर्फ 3 में वैन के वहां से गुजरने की फुटेज रिकॉर्ड हुई। सिर्फ 3 कैमरा में? ए रुक जा, ए रिवाइंड मार, रिवाइंड मार। हाँ, जूम कर और जूम कर। ये क्या, वैन में कोई ड्राइवर नहीं है?
ये बिना ड्राइवर के वैन चल कैसे सकती है? लगता है स्वामी से मिलना पड़ेगा। स्वामी, इसमें कोई संदेह नहीं कि लक्ष्मी मर चुकी है, पर उसकी आत्मा भटक नहीं रही है। अगर ऐसा होता तो मैं अब तक उसकी आत्मा को पकड़कर तुम्हारे पास ला चुका होता। पर स्वामी, राहुल ने मरने से पहले देखा था लक्ष्मी को। जिस वैन में वो गया था उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। मैं पता लगाऊंगा इसके लिए कौन सी काली ताकत जिम्मेदार है। तब तक इस डोर को अपनी कलाई पर बांध लो और इसे अपने घर के मंदिर में रख लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ स्वामी। किसी भी शमशान से गुजरते वक्त पीछे मत देखना, नहीं तो वहीं तुम राख हो जाओगे। वहां से चुपचाप निकल जाना। समझ गया। क्यों हीरो, शॉर्ट फिल्म पर काम कैसा चल रहा है? वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं अंकल। बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखने में भी इतना टाइम नहीं लगा होगा। जब भी पूछो कहते हो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अंकल, इस घर में कुछ है क्या? वो तो है ना, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है और मैं हूँ। इस घर में किसी की हत्या या आत्महत्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? किसी ने आत्महत्या नहीं की। वो क्या है, घर के पास ही एक शमशान है। शमशान? मुझे माफ कर दो, मैं बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा हूँ। रुक 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 चल रुक चल बाय। वैसे अंकल, हम यहाँ से सेफली जा तो सकते है ना? कल रात तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जाने की बात की तो टांगे तोड़ देना। सच में ऐसा कहा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा सुपर हिट शॉर्ट फिल्म बनाने में, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है अंकल, अब हम अपने रूम में जाके स्क्रिप्ट पर काम शुरू करते हैं। जाओ शुरू करो। स्क्रिप्ट को रियल बनाने के लिए हम थोड़ा चिल्लाएंगे। चिल्लाओ। गला फाड़ेंगे। पर्दे भी। हमें डिस्टर्ब मत करना। नहीं करेंगे। अब सीधा कल सुबह मिलेंगे। ठीक है जाओ। चल 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 चल। तुम भी ना, बेचारे बच्चों को यूं ही डरा दिया। बस ऐसे ही माँ। चलो खाना खाओ। सो जा, सो जा, जल्दी सो जा। ये क्या आवाज थी? पैरों के निशान। ये आवाजें सुन रही हो? बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। शॉर्ट फिल्म बनानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर मुझे तो नहीं लगता है शॉर्ट फिल्म के लिए चिल्ला रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल पर तुमने जो उन्हें डराया ना, ये उसी का असर है। मुझे भी लगता है कि इस घर में भूत है। ऊपर अब कुछ भी नहीं है। पर पहले तो पैरों के निशान दे ना। कहाँ चले गए? इस घर में कुछ गड़बड़ है। अरे क्या कर रहा है, बिस्तर के नीचे जाएगा। अरे क्या मार रहा है मरे हुए को। चल दरवाजा खोलना। बाहर निकलते। चल 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 चल। अंकल, अंकल, क्या हुआ? अंकल हमें जल्दी दिखाओ ना। क्या देखना है तुमको? आपके पैर अंकल। देख लो, ये तो जगह पर ही है। ठीक है अंकल, हम बाहर जा रहे हैं। बाय। वैकुंठ भाई है क्या? भाई अंदर ही है। अच्छा, थैंक यू। जाओ। ज्यादा नाटक मत कर। दाल पट्टी नहीं करेगा। जाते। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुझे फॉरेन जाना है ना सिस्टर, तो यहीं रुक, मैं तेरे पेपर्स लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। चल आजा। आज तो हाई स्कोर बना के रहूंगा मैं। भाई मलेश आया है। हाँ मलेश। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। लड़की लेके आऊँ, दिल खुश हो जाएगा साहब। हाँ लड़की देखेंगे ना तो आपके भी होश हो जाएंगे। अच्छा ला दे, ले जा। क्या रोनी भाई, वही रकम दे रहे, इस बार तो ज्यादा दो ना। क्यों भैया, किसी का मर्डर करके लड़कियां लाया कि किडनैप करके? हैं? उसके माँ बाप को उल्लू बना के इधर लाया ना उसे, जितना दे दिया वो भी ज्यादा है। चल फोट। आपके लिए इतनी अच्छी लड़की लेकर आया हूँ रोनी भाई,
रकम बढ़ा के दो। क्या बे कुत्ते, आज कुछ ज्यादा ही मुंह खोल रहा है, ए ठीक से दबाना। यही बात मैं जाके पुलिस को बोलूंगा ना तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मुझे धमकी दे रहा है? बस गोली चलाने से हल नहीं निकलता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। क्या रे ये क्या किसी हीरोइन से कम है? इस तरह की आंटियों की दुबई में बहुत कीमत मिलती है। इसको भी बाकियों के साथ बांध दे। चल रानी चल। रात का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, फिर भी दीदी के साथ शूटिंग करने के लिए बहुत डर लग रहा है यार। इसमें डरने की बात नहीं है, वो भूत लोग ना क्रॉस और माला से डर कर भागते हैं, इन्हें रखेंगे जब तक शूटिंग नहीं होती है। इन चीजों से भूत पक्का दूर रहते हैं ना। भूत भूत बोल के बच्चे की जान मत ले यार। वैसे जब शूटिंग होती है तो लोग भीड़ जमा करके देखने को खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम भूतों पर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं इसलिए भूत शूटिंग देखने आ गए। डरा मत ना। हेलो हेलो, शूटिंग शुरू करें। दीदी किसी ने हमारे पुराने सीन को सेम टू सेम चुरा लिया, तो मैंने एक नया सीन लिखा है पर उसमें डेप्थ की कमी है। हाँ, डेप्थ का क्या करना है, असली मजा तो डेथ में है, तब जाके असली थ्रिल आएगा। आपको असली मजा डेथ में आता है क्या? हाँ। वैसे भी हम जो लिखते हैं वो कोई और चुरा लेता तो है। कोई बात नहीं, एक नया सीन लिखो। लिखता हूँ। अरे रुक यार, ठीक है अभी नया सीन लिखते हैं। 1 2 3 हमारे तीन के अलावा सीन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ, हाँ। दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे खुद बैठकर ओरिजिनल सीन लिखते हो, इंग्लिश मूवीज की डीवीडी लगा के बस सीन छापते हो। वो दीदी हमारी फिल्म में जो लड़की भूत बनी है उसे बिना पुलिस की नजर में आए एक और मर्डर करना होता है। जानती हो इस बार वो कैसे खून करती है? सीन ओपन होता है, आधी रात को एक कार रास्ते से जा रही है, ए रुक 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 ना। क्या हुआ? गाड़ी रुक। अरे हुआ क्या? क्या फिगर है यार। सुन तू निकल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अरे देर हो चुकी है, घर चलते हैं ना। नहीं बे तू निकल, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अरे यार आराम से जाना भाई, लड़की देखने की शुरू हो गया। चल बाय। चल मजे करना। ए क्या बोलती तू? अरे ए कहां जा रही है? आज तो चुम्मा लूंगा। कौन है तू? कौन है तू? चेहरा दिखा नहीं तो मार दूंगा। चेहरा देख के तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तू जिंदा कैसे हो गई? तेरे जैसे राक्षसों का वध करके मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने से रोकने के लिए मैं जिंदा हूँ। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया था। रॉनी जी भीख मांग रहे हैं? जिन लड़कियों को तू जबरदस्ती उठा के लाता है वो भी रहम की भीख मांगती हैं। उनके गम में बेचारे उनके माँ बाप रोते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरे माफ करने से क्या, वो मासूम लड़कियाँ तुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तुम कहो तो मैं सरेंडर कर दूंगा। ये कोई कोर्ट नहीं है जहाँ तुझे बेल मिल जाएगी, ना ही सरेंडर करने पर तुझे बाइज्जत बरी किया जाएगा। ये कोई पब्लिक कोर्ट नहीं, मेरा कोर्ट है और यहाँ तेरे किए की सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत। भाई उठो भाई, वो जज भूत बनकर आई है भाई,
उसने मुझे मारने की कोशिश की है। भाई उठो ना भाई, भाई कुछ करो ना भाई, भाई भाई स्वामी जी को फोन करो ना जल्दी से भाई, भाई उठ जाओ ना भाई, मेरी मदद करो। हाँ हाँ हेलो भाई, भाई रॉनी की मौत हो गई है। हा? क्या बोला? किसी ने अपने रॉनी को मार डाला भाई। मेरे मुन्ना को मार दिया। सच कह रहा हूँ भाई। हे कहाँ? फार्म हाउस में, आ जाओ भाई। हे गाड़ी निकाल। भाई भाई रुको रुको भाई, मैं भी आ रहा हूँ। मुन्ना उठ, उठ मेरे भाई, मुन्ना उठना, उठना मुन्ना। भाई भाई रॉनी की मौत भी उसी वैन में हुई जिसमें राहुल की हुई थी भाई। राहुल की मौत और रॉनी की मौत, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन तो है, और वो कनेक्शन है जस्टिस लक्ष्मी। लेकिन स्वामी ने क्यों कहा कि वो मरने के बाद भूत नहीं बनी? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लक्ष्मी के बाप को उठा के लाना पड़ेगा। उसे मत छोड़ना, उस लक्ष्मी को तड़पा तड़पा के मारना। सुनना राकेश, इस तरह के मर्डर में डेप्थ नहीं है यार, मतलब कुछ अधूरा लगेगा। मजा तब आएगा जब खून खराबा होगा। कौन हो तुम लोग? पुलिस वाला। पुलिस आ गई। आजा। देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर हूँ। हम हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। yes. फालतू की कहानी बना रहे हैं? करेक्ट, कहानी ही तो बना रहे हैं। लेकिन तेरी कहानी में हॉरर वाली कोई बात नहीं है, मर्डर की प्लानिंग नजर आ रही है। सर। अरे तू चुप कर, बड़े साहब से छोटी बात करता है। पीछे हट। यस राइट सर, हम मर्डर प्लान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चुप करना, बार बार डरता रहता है। अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि पुलिस के हाथ में आए बगैर कैसे मर्डर प्लान किया जाए। आपके साथ कसम। Hey, दोनों को उठा के जीप में डालो। हम टुंडे लूले जो खुद नहीं बैठ सकते। क्या बे? चल, चल। अरे धक्का नहीं, इज्जत करो यार। अब हमें पुलिस वालों से कौन बचाएगा? ये लीजिए आरती। नहीं चाहिए आरती वारती। क्या हो गया तुम्हें? मैं जो सोना गिरवी रखने जा रहा था, पता नहीं वो कहाँ खो गया। अरे तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब जाएगी? तुम सोना लेकर गए ही नहीं, घर में ही रखा हुआ है। रुको मैं लेकर आती हूँ। भगवान, मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। अरे ये कहाँ उड़ गई? ये लो। भगवान एक बात कहूँ, आजकल मुझे लक्ष्मी की बहुत फिक्र हो रही है। कल रात भी वो घर पर नहीं थी। पहले से ही मुझे डायबिटीज और बीपी है, लेकिन अब लगता है टेंशन के मारे ही जान चली जाएगी। ए, अंदर चलो। ए, उधर देखो, तू चल मेरे साथ। चलो भाई। माँ क्या बात है? कल रात को तू बाहर गई थी क्या? नहीं माँ, क्यों? ये बात अपने पापा को बता दो। ये क्या है माँ, मैं क्या आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ? तेरे पापा को तेरी इतनी फिक्र हो और तू बकवास किए जा रही है। माँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अजी क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पापा सुनिए जी, सुनिए क्या हुआ? लीजिए लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। पापा की टैबलेट्स खत्म हो गई हैं, मैं लेकर आती हूँ। अरे आप यहीं रुकिए। ए, लक्ष्मी को जानता है? मैं नहीं जानता। देख इसको। बोला ना नहीं जानता। बोल। उसका घर गांधीनगर में, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। भैया सुनो, बीपी टैबलेट्स एटम 5 mg, प्लीज जरा जल्दी दीजिए। मैं देखती हूँ कौन आया। कौन है आप और ऐसे कैसे अंदर चले? सुनिए जी, तेरी बेटी कहाँ है?
लक्ष्मी कहाँ है? सुनील जी! भगवान, अरे ये तुझे क्या हो गया? ये क्या हुआ? मत मारो उन्हें! मत मारो! मत मारो! चल बोल, लक्ष्मी कहाँ है? परसों उसने राहुल का खून कर दिया और कल मेरे भाई को मार डाला। किधर है? नहीं! मरने के बाद वो फिर जिंदा कैसे हुई? हम सच में कुछ नहीं जानते। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हमारी लक्ष्मी तो कब की मर चुकी है। तुम्हारे लोगों ने ही मारा था। हमारे साथ जो रह रही है वो तो हमारी छोटी बेटी प्रिया है। प्रिया? हाँ, सच कह रहा हूँ। ये तू क्या पक रहा है? जुड़वा बेटियाँ हैं। प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से कुछ दिनों पहले ही आई है। इसका सबूत क्या है? हाँ? मुझे एक मिनट दो, मैं सब बताता हूँ। सब बताता हूँ, मुझे छोड़ो। ये प्रिया का बर्थ सर्टिफिकेट है। चाहो तो लक्ष्मी का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। दाल में कुछ काला है। चल प्रिया को बुला। वो घर पर नहीं है। अरे पर वो घर पर नहीं है। आ गई है वो। मुझे नहीं पता। तुझे क्या लगता है, तू नहीं बताएगा तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा? ढूंढ निकालूंगा उसे। दो दिन में मेरे पास होगी वो। उसके बाद तुम सबकी खैर नहीं, तेरे पूरे खानदान को काट डालूंगा। भगवान! सुनील जी! माँ, पापा, माँ को क्या हुआ? पापा, माँ को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। सिस्टर, पेशेंट को ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। मेरा ब्लड ले लीजिए। ठीक है, आ जाइए प्लीज। थैंक यू मैम। लक्ष्मी, नथिंग टू वरी, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी हमारी इकलौती बेटी है। आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि प्रिया हमारी दूसरी बेटी है? उन्हें जाली सर्टिफिकेट क्यों दिखाया? लक्ष्मी की जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये कहानी बनानी पड़ी। वो राक्षस है, अगर उसे पता चल गया तो वो लक्ष्मी को मार डालेगा। दीदी को आखिर वो कितनी बार मारेगा? माँ, कितनी बार? ये दीदी कौन है? तू ही तो लक्ष्मी है ना? नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ। छोटी बेटी मतलब तू हमारी लक्ष्मी की जगह लेकर हमें धोखा दे रही है? नहीं नहीं, मैं आपको धोखा नहीं दे रही, बल्कि मैं दीदी के कातिलों को सजाए मौत देकर उन्हें न्याय दिला रही हूँ। इसका मतलब उन दोनों का खून तूने ही किया? बता, लक्ष्मी के साथ तेरा क्या नाता है? हमारे साथ क्या रिश्ता है तेरा? पापा, ये मैं हूँ, लक्ष्मी की छोटी बहन, आपकी छोटी बेटी। हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है, फिर ये कौन है? नहीं भगवान, दो बेटियाँ। अरे विजय, ये लक्ष्मी बॉम्ब है, इसे इस तरह नहीं जलाते, इस तरह जलाते हैं। अब जलाना ठीक से। पटाखे जलाते वक्त हमेशा पटाखों पर नजर रखनी चाहिए, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। मैंने इन हाथों से बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद की है, तो ये लक्ष्मी बम क्या चीज है? सुनिए जी, ये गांव से इधर कब आया? मैं भी यही पूछ रहा था, तुम यहाँ कब आए? तुलसी! अरे भगवान, क्या हुआ भाभी जी को? तुम ठीक हो? भगवान, मेरी बीवी की रक्षा करना। अरे अजी जी, सब ठीक है ना? शी इज फाइन, घबराने की बात नहीं है। मुझे लड़की हुई है ना? हाँ, बड़ी प्यारी लड़की हुई है। इसे कहते हैं खुशखबर, मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। तुम्हें जुड़वा बेटियाँ हुई हैं। वाह वाह, दिवाली का डबल बोनस मिला मुझे। मेरी खुशियाँ सिंगल से डबल हो गई। आपने मुझे खुश कर दिया सर। पर हम सिर्फ एक ही बच्ची को बचा पाए, दूसरी बच्ची को जॉन्डिस हो गया था और वो गुजर गई। दीदी की तरह मैं भी इस दुनिया में आई थी, पर बदकिस्मती से पैदा होते ही मैंने दम तोड़ दिया था।
इस बारे में मेरी बीवी से कुछ मत कहिएगा सर। हॉस्पिटल में दीदी माँ की गोद में झूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पापा अपनी दूसरी बेटी को अपने ही हाथों से अलविदा कह रहे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा था, पर ये जरूर पता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया था। आले 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 आले, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा। भगवान, बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। सुनिए जी, जब मैं बेहोश थी ना, मुझे एक अजीब सा सपना आया। कैसा सपना? यही कि हमें जुड़वा बेटियां हुई है और आप खुश होके पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? अरे जुड़वा बेटियां नहीं हुई तो क्या हुआ, ये सुंदर बेटी कुछ कम है? सच कहा, ये तो हमारी परी है। मेरा जन्म दीदी के साथ ही हुआ था और मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती थी, और मैं रही, शायद मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए भगवान ने मुझे स्वीकारा नहीं। मुझे बहुत बुरा लगता था जब माँ अपनी सारी ममता दीदी पर ही न्योछावर करती, पर माँ ना तो मुझे देख सकती थी ना ही मुझे गोद में ले सकती थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ का स्पर्श और ममता भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है। माँ के साथ रहने से ही दुख दर्द सब गायब हो जाता। कभी कभी तो पापा भी माँ ही बन जाते थे। मैं दीदी का हिस्सा बनकर अपने बचपन के मजे ले रही थी। जब आप दोनों नहीं होते तब मैं दीदी के साथ ही रहती। भगवान ने भले ही मेरे साथ अन्याय किया हो, लेकिन दीदी के पास मुझे रहने देकर उन्होंने अपने हर किए की भरपाई कर दी थी। हटो, जज साहब आ रहे हैं। पापा, हटो। उस दिन जब कोर्ट में पापा की बेइज्जती हुई, मैं दीदी के अंदर मौजूद थी और हम दोनों ने फैसला किया कि दीदी बड़ी होकर जज बनेगी। दीदी जहाँ भी होती मैं उनके साथ ही रहती। हम बहनों ने एक दूसरे से वादा किया कि मम्मी पापा को कभी इस बात का पता लगने नहीं देंगे कि दीदी मुझे देख सकती हैं, क्योंकि हमें डर था कि आप हमें अलग कर देंगे। 7 साल की उम्र तक मैं और दीदी साथ साथ बड़े हुए। लक्ष्मी दीदी की तरह मैंने भी मम्मी और पापा के प्यार को महसूस किया। पर एक दिन दीदी को बुखार हुआ और हम डॉक्टर के पास गए। बच्ची को ये दवाइयाँ देते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आजा बेटा। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। कितनी बड़ी हो गई है। क्यों ना हो, हम इसे अच्छा खिलाते पिलाते जो हैं, चलते हैं। वो डॉक्टर नशे में था जब उसने उस औरत की डिलीवरी करवाई थी। बेचारी एक बच्ची की तो नस कट गई थी और वो मर गई थी, वरना वो भी आज इतनी ही बड़ी होती। अब तक मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, पर इसका जिम्मेदार वो डॉक्टर था। बेटा चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और ये गोली खा लो। मुझे नहीं खाना पापा। मेरी प्यारी बेटी जल्दी से मुंह खोलो, चलो चलो चलो। ये लो पानी। चलो बेटा अब आराम कर लो, सो जाओ सो जाओ। अरे चल, अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए तुझे छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे छोड़ दीजिए। अरे गुड़िया, बेटा तुलसी। हाँ? लक्ष्मी कहाँ गई? मुझे नहीं पता कहाँ गई होगी। लीजिए वकील बाबू, मेरी बेटी भी वकील बन गई है। अब उसका नाम सिर्फ लक्ष्मी नहीं रहा, लॉयर लक्ष्मी हो गया है। कमाल हो गया, चाय बेचते बेचते तुमने अपनी बेटी को लॉयर बना दिया, वेरी गुड। वैसे तुम्हारी बेटी है कहाँ? लक्ष्मी, क्या बात है पापा? सर मेरी बेटी लक्ष्मी। नमस्ते सर। बेटा नरसिम्हा राव जी बहुत बड़े लायर हैं। अच्छा? लायर मतलब झूठा ना। चुप कर,
ये शहर के जाने माने वकील हैं। मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, चाहे सबूत हो या ना हो, चाहे गवाह हो या ना हो, लेकिन आप केस जीत ही जाते हैं, है ना? काबिल इंसान यही तो करता है। वैसे खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हो या मेरी असिस्टेंट बनकर मुझसे कानून के दाव पे सीखना चाहती हो? वैसे किसी के अंडर काम करने से आप धीरे धीरे उनकी तरह धूर्त बन जाते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहती हूँ। I want to be myself. Good. कोर्ट में केस गरीब अमीर सब लड़ने आते हैं, और एक लॉयर के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। मैं उसी उसूल पर चलूंगी। ऑनेस्ट, क्या बात है, देखते हैं तुम अपनी ईमानदारी से कितने केस जीतती हो। ऑल द बेस्ट। बेटा बहुत अच्छे, आज तुमने उस वकील की बोलती बंद कर दी, अब कोर्ट में बस यही करना है तुम्हें। पापा क्यों ना एक कड़क मसालेदार चाय हो जाए। मेरी बेटी के लिए एक कड़क चाय। मेरी बेटी वकील बन गई है। अच्छा? उसके नाम से पूजा चढ़ा दीजिए। जी जरूर। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणेश ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, सुखी रहो, तरक्की करो। लॉयर से ज्यादा दीदी को जज बनना शोभा देता था। बचपन से ही दीदी अपने उसूलों की पक्की थी। बिना भेदभाव या पक्षपात किए वो हमेशा सच्चाई का साथ देती। बैठिए। ऑल द बेस्ट। प्रोसीड योर ऑनर। कटघरे में जो नौजवान खड़ा है इसका नाम राजीव राय है। ये हमारे चहीते एमएलए सुरेश राय के सुपुत्र हैं। एमएलए साहब की पार्टी सत्ता में है और उनका बेटा घमंड के नशे में दिन दहाड़े इसने एक लड़की को अगवा किया, उसका बेरहमी से बलात्कार किया और फिर रास्ते में फेंक दिया। इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी कार से उसने उस लड़की को कुचल कर मार डाला। कोर्ट को बता दूं कि यह हादसा 4 साल पहले हुआ था। सब जानते हैं कि इसी ने यह कत्ल किया था, लेकिन लड़की वालों को इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ मिली है तो तारीख। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। पेपर पढ़ के या फिर टीवी देखकर अगर हम लोगों को सजा देने लगे तो इस हिसाब से तो हमारी जेल हाउस फुल हो जाएगी योर ऑनर। जी हाँ, मेरे क्लाइंट राहुल एमएलए के बेटे हैं, इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने पिता की छवि खराब करने के लिए तमाम पेपर्स और टीवी चैनल्स को खरीद के दिन रात इनके खिलाफ खबरें चलवाई, ताकि अगले इलेक्शन में सुरेश राय जीत न पाए और उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाए। दरअसल मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर इस तरह के दरिंदों को सजा नहीं मिली तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। मैं पहले ही इस कोर्ट में सबूत और गवाह पेश कर चुका हूं। योर ऑनर, इस केस को इंसानियत के नजरिए से देखने के बाद ही फैसला सुनाइएगा। थैंक यू योर ऑनर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समझने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस केस को गलत तरीके से जीता जाए। भले ही कोई पुख्ता सबूत ना हो, पर कोई भी माँ बाप बिना वजह अपनी बेटी के बलात्कार और कत्ल की झूठी खबर फैला के सनसनी फैलाने का घिनौना काम नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों से लड़की के माँ बाप इस कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ अब तक नहीं मिला। न्याय की राह देखते देखते अब तो ये भी थक चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इसलिए बस आज के बाद इन्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज ये कोर्ट इस केस का फैसला सुनाएगी। कोर्ट में जो भी चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, मैं उन्हें हुक्म देती हूँ कि उन सब से लिखित में बयान लिए जाएं। राजीव को फांसी दो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
कोर्ट आज ये फैसला सुनाती है कि आरोपी राजीव राय को सेक्शन 55 के तहत उम्र कैद की सजा हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। धन्यवाद। डॉक्टर सुन, जब पता चला नई जज है, ऐसा लगा कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप सुनती रहेगी। ये लक्ष्मी बॉम्ब है, धमाके वाला। बहुत डेंजर है सर। क्या बात है, आज सबके सब एक साथ, कुछ स्पेशल है क्या? शाही पनीर मैडम। ओह प्लीज प्लीज कंटिन्यू। पर मैं सबसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, आज से झूठे गवाहों को कोर्ट में कोई नहीं लेकर आएगा, ईमानदारी से केस लड़ो। आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया? हाँ, आप जैसे लोगों ने अदालत को मच्छी बाजार बना दिया है। स्टेशनरी से लेकर गवाह तक सबका दाम तय किया हुआ है। मर्डर केस का एक रेट है, चोरी के केस का कोई और रेट है, और रेप केस का अलग रेट है। छी छी, बोलने तक में घिन आती है। गलत ढंग से जीतने का समय खत्म हुआ, अब सबको बदलना होगा, सब कुछ बदलना होगा। कान खोल के सब सुन लो, मैं नहीं चाहती कि कोर्ट के आसपास तक कोई झूठा या फर्जी गवाह दिखाई दे। अगर किसी ने झूठे सबूतों के आधार पर केस जीतने की कोशिश की तो वो सलाखों के पीछे जाएगा। जितनी सजा आरोपी को मिलेगी उसकी आधी सजा उस भ्रष्ट वकील को भी मिलेगी। अब से यहाँ सिर्फ सच्चाई की जीत होगी। सत्यमेव जयते। दीदी की जिंदगी चैन और शांति से कट रही थी, पर एक दिन एम्बुलेंस में लड़कियां, उसका पीछा करो, संभल के। चल अब फोन रख भाई। लड़कियां ले आया। हाँ, कोई लोचा तो नहीं हुआ ना? कोई डेढ़ शाना भी नहीं समझ सकता एम्बुलेंस में लड़कियां होंगी। इन सबको ट्रक में डाल दो। दुबई का शेख बार बार फोन कर रहा, बोलता है कि सर प्लीज सर मुझे। बस ड्रामा बंद कर। सुन ले, इधर तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ये मेरा एरिया है। लेके जा इन सबको, चल चलो साहब, चलो चल चल। स्टॉप इट। तो कौन है लड़के? जान पहचान बाद में करेंगे, एम्बुलेंस में लड़कियां लाने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? इस मैडम को जवाब चाहिए। ए, जवाब दे इसको। औरत समझ के मुझे कम मत समझना, लक्ष्मी, जस्टिस लक्ष्मी, मुझे अगर छूने की भी कोशिश की तो जिंदगी छीन लूंगी, समझे? अरेस्ट देम। छोड़ मुझे, ए छोड़ रहे। नहीं प्लीज, रोना बंद करो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। बचा लिया। बस बस बस, इन सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाओ, इनके माँ बाप का पता लगाओ और उन्हें इन्फॉर्म कर दो। कल स्वामी ने कहा था मैं अपने काम में कामयाब होऊंगा, फिर अचानक क्या हो गया? उन सब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा है, कम से कम 10 साल की सजा होगी। मैं ये नहीं जानना चाहता कि सजा कितने साल की होगी, ये बताओ कि तुम मुझे बचा सकते हो या नहीं। जानते हो वो औरत है कौन? कौन है? लक्ष्मी बॉम्ब है क्या? बस इतना ही? पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई ठीक बात निकली है। तुम मेरा केस ले लो, जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। केस ले लूंगा पर हम जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये केस जीतना है तो उसके लिए लक्ष्मी का जजमेंट हमारे हक में होना चाहिए, फिर कोई नहीं हरा सकता। ये तुम्हें मेरी फ्री एडवाइस है, चलता हूँ बेडू। मिलेंगे अजीत। हेलो वैकुंठ, तेरे डर के मारे कोई भी वकील या पुलिस मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो अब तू मुझे बस ये बता कि मैं तेरे इस डर की कितनी कीमत लगाऊं। 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए?
तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पैसों से खरीद सकता है? मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। तू चाहे एक के आगे कितने भी जीरो लगा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ए जज, ए इतनी अकड़ क्यों है तुझमें? तेरी सोच की पैसा सब कुछ खरीद सकता है, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैंने तेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। क्या कर लेगी तू? जब 10 साल के लिए जेल में चक्की पीसेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। दोबारा फोन करने की हिम्मत मत करना। ये तो सच में लक्ष्मी बॉम्ब है। दीदी आप सुपर्ब हो, सच में। आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। हाई फाइव। कंटिन्यू। मैं गुजारिश करूंगा मेरे क्लाइंट वैकुंठ को छोड़ दिया जाए, इनका कोई कसूर नहीं। योर ऑनर, हमने पहले ही उन 10 लड़कियों के स्टेटमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम वैकुंठ लक्ष्मण को आईपीसी 370 और 370A के तहत 10 साल की सजा सुनाती है। टेंटन है। बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, जस्टिस लक्ष्मी को एक लड़के से मिलने पर घबराहट हो रही है। हो रही है ना। तू मेरे साथ चलना प्लीज। नो वे, ये आपका पर्सनल मामला है, आप खुद संभालो। मैं अच्छी नहीं लग रही। आप अच्छे लग रहे हो, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। मेरी बेस्ट दीदी। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। दीदी 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 मुझे छोड़ के मत जा। मम्मी पाप दीदी कोख से बाहर निकलने से पहले ही मुझे मार डाला, माँ बाप के प्यार से दूर रखा, दुनिया में कदम रखने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ये सोच के खुश रहती कि कम से कम मेरी दीदी जिंदा है, मेरे माँ बाप के साथ है, कोई तो है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगी। पर आपने तो मेरी बहन को ही छीन लिया। पर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? माँ के रोज व्रत और पूजा पाठ करने का आपने ये सिला दिया। अकेले अब अपनी सारी उम्र वो किसके सहारे काटेंगे? दीदी के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं सहन नहीं कर पाई, शायद इसीलिए भगवान को मुझ पर तरस आ गया, उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। वैसे तो मैं कभी कभी दीदी के शरीर में घुस पाती थी, पर अब मेरी आत्मा दीदी के शरीर में बस गई। बेटा 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 लक्ष्मी, बेटा मेरी बेटी जिंदा है। बेटा पापा, बेटा आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू घर चल। पापा अब घर चल बेटा। पापा, पर मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, कहना अब तू बस घर चल। पापा बेटा बेटा पापा मुझे कुछ कहना है। हे भगवान, मैं वहीं पर आपको अपने बारे में बताना चाहती थी, पर दीदी के जिंदा होने की वजह से आप इतने खुश थे कि मेरे दिल की बात जुबान पर आई ही नहीं। पापा बेटा
आज के बाद हम इस कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर जाकर चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन पापा इस तरह दूर भागने से क्या हमारी? बेटा, उन बदमाशों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो वो तुझे फिर से मार देंगे, और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। लोगों की नजरों में जस्टिस लक्ष्मी मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए तू अब भी जिंदा है मेरी गुड़िया। बेटा, अब तक तूने लोगों का भला किया, अब एक एहसान अपने बाप पर कर दे। आज से तू उस अदालत में कदम नहीं रखेगी। पर पापा, वचन मुझे समझने की कोशिश करो। वचन दे, वचन दे बेटा, वचन दे मुझे। माँ, पापा, मेरी बच्ची। माँ रोना बंद करो, माँ आंसू मत बहाओ। पापा, अब से कोई नहीं रोएगा। दीदी को मार के उन्होंने आपको बहुत रुलाया, अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं बेटा, वो लोग राक्षस है, मैं नहीं चाहती तू भी हमें छोड़कर चली जाए। किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालना। मैं चाहता हूँ कि उन कातिलों को सजा मिले जिन्होंने मेरी बेटी को मारा था। तुलसी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। बेटा, तेरी बहन ने लोगों का न्याय किया, अब तू उसे न्याय दिलाएगी, तू उसका बदला लेगी। मार डाला, अगर मुझे छुआ भी तो भी मैं जिंदा मर जाऊंगा। बस थोड़ा और यार। अरे क्या थोड़ा चाहिए, दोस्त के साथ पीने बैठा है क्या? एक दो तीन चार पी लिया, लेकिन अब पांचवा सीधा पुलिस पिलाएगी। ओ दुख रहा है, ओ दुख रहा, हाथ मत लगा। क्या रे, अब भागने का इरादा है कि नहीं, कि तुम दोनों पे 4 डिग्री इस्तेमाल करो। अब तो राशन पानी लेकर हम पर चढ़ गए हो सर, हम तो भोले भाले मासूम परिंदे हैं, हम पंछी एक डाल के हम पर तरस का इसकी सर। और इसकी पेन की किस्मत खराब है, जो भी लिखता है सब सही हो जाता है। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा क्या? तो अब लिखो कि हम इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कातिल को कैसे ढूंढेंगे, स्टोरी बताओ और निकल लो। अबे बता। ठीक है सर, बताता हूँ। ओपनिंग सीन। अच्छा, पुलिस की जीप जूम जूम जिम जिम जा रही है, वो सब मर्डर स्पॉट पर पहुंचते हैं। उन जीप में से 10 पुलिस के ट्रेंड कुत्ते निकलते हैं। दूर से ही वो कातिल के पैरों के निशान देख लेते हैं, इसलिए सारे कुत्ते उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ए, क्या भाग रहा है? इतना पावरफुल ऑफिसर बैठा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन कुत्तों से करवाएगा? अबे गली के पिल्ले। वेट 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 सर, आप कमाल के हो सर। क्या आप कुत्ते की तरह भौंक सकते हो? क्या आप कुत्ते की तरह सूंघ सकते हो? कुत्ते की तरह अपनी टांग उठा के सूसू कर सकते हो क्या सर? बोलो सर, बोलो, कर सकते हो क्या? ए, तुम इसको कैसे जानते हो? ये तो हमारे शॉर्ट फिल्म की हीरोइन है सर। दीदी, हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये भूत के रोल के लिए परफेक्ट थी। पर ये तो सच की भूत निकले। हमें छोड़ दो सर। हेलो, इंस्पेक्टर अजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल, क्या हुआ? जस्टिस लक्ष्मी वाकई भूत बन गई है सर। क्या बकवास कर रहा है? मैंने उन दोनों लौंडों के मुंह से उगलवाया सर। मतलब मेरे दोनों साथियों को लक्ष्मी ने मारा? आप भी सावधान रहिए, रखता हूँ। अरे किधर मर गए सब? इधर आओ, जल्दी आओ। जाओ भाई, ये दरवाजा खोल ले रहा, जल्दी खोलो इसको। क्या हो रहा है ये? क्या था ये?
रमन महेश बाहर आओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो इधर है। कौन भाई? वो लक्ष्मी इधर है। वो तो मर गई थी ना। अरे वो यही है। कहाँ? ऊपर है, उस तरफ देखो ऊपर। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? कोई भी तो नहीं है भाई। क्या हो गया भाई आपको? आधी रात को सबको जगा के परेशान कर दिया। कहाँ है भूत, किधर दिखाई? झूठ बोल रहा हूँ क्या? भाई अभी भाई भाई काम मार दिया भाई, किधर है भूत? ये आवाज सुनी? नहीं भाई, कौन सी आवाज भाई? कैसी आवाज है? कौन सी आवाज भाई? कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ सुना नहीं दे रहा भाई को। हुआ क्या? बहरे हो गए हो क्या? यहाँ की सारी लाइट ऑन करो। लगता भाई सठी आ गए। लाइट नहीं आ रही भाई। चल जल्दी टॉर्च लेके आओ। अरे सबको जाने की जरूरत क्या है? चल तू लेके आ। जा लेके आ। लक्ष्मी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी मौत मेरे हाथों ही होगी। इस अंधेरे में उठाया तेरा हर कदम तुझे तेरी कब्र के पास ले जाएगा। तेरा अंत मैं ही करूंगी। ए, ए, बस कर, हंसना बंद कर। ऊपर कोई नहीं है भाई। तुझे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ नहीं है, कहाँ है, किधर है? देख देख, कुछ होगा तब ना दिखाई देगा। सुनाई भी नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा भाई, इनको कुछ दिख नहीं रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। मुझे क्या हो गया है? किसी को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। भाई मैं हूँ सुलेमान, आप डर गए क्या? तो ये तू कर रहा था? लक्ष्मी के पहले तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे डराएगा? भाई भाई दरवाजा खोलो भाई, भाई खोलो दरवाजा, भाई दरवाजा खोलो। नहीं, बाहर भूत नहीं है, वो मुझे मार डालेगी। भाई दरवाजा खोलो। नहीं, खोलो भाई खोलो। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा भाई, नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगा, वो मुझे मार डालेगी। हम स्वामी जी को लाए, कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ भाई। स्वामी आ गए? वैकुंठ डरो मत, खोलो। स्वामी स्वामी, वो भूतनी मुझे मार डालेगी। स्वामी कुछ करो, स्वामी डरो मत, मेरे पास इसका हल है। ओम नमः शिवाय, महाकाल शिवाय, ओम। प्रेतात्मा पिशाच सामने आ, जय जय त्रिंबकेश्वर बाबा, हिम्मत दो, सहायता करो, महाकालेश्वर त्रिंबकेश्वर भोले बाबा, ओम शिवाय। मैंने देख लिया उसे। उसको देख लिया? मैंने देख लिया उसे। तुम्हारी मृत्यु इस समय मेरे सामने है। कहाँ स्वामी? कहाँ स्वामी जी, हमें नहीं दिखाई दे रही। साफ साफ दिख रहा है भाई, हमें तो दिखाई नहीं दे रही। किधर है स्वामी, हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे? वो बिल्कुल मेरे सामने है, और वो लक्ष्मी की आत्मा नहीं है, उस लड़की की आत्मा है जिसकी आकस्मिक मौत अपनी माँ की कोख में हो गई थी, और अब वो अपनी बहन के शरीर में बैठी है। आत्मा उसकी छोटी बहन की है, वो दोनों जुड़वा हैं, बचपन से ही दोनों आत्मा एक ही शरीर में पल के पड़ी हुई हैं। तुमने लक्ष्मी के प्राण छीन लिए, पर अब लक्ष्मी के शरीर में उसकी बहन की आत्मा का वास है, और उसी ने राहुल और तुम्हारे भाई की जान ली है। तू भी उसी के हाथों मरेगा। स्वामी आप मुझे बचाने के लिए कुछ करो, बचा लो। उसे रोक पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। जब बड़ी बहन का जन्म हुआ तो छोटी ने दम तोड़ दिया, छोटी वाली को जीवन तब मिला जब बड़ी के प्राण छिन गए। ये आत्माएं शक्तिशाली होती हैं, जन्म मरण के चक्र पर अपनी पकड़ बना सकती हैं ये। मैं कुछ नहीं कर सकता। काशी में एरेका और काला नाम की दो जुड़वा तांत्रिक रहते हैं, सिर्फ वही इस आत्मा को वश में कर सकते हैं। स्वामी उन्हें जल्दी से यहाँ बुला लो,
मैं सारा खर्चा भरने को तैयार हूँ। उनकी टिकट बुक कराओ, जल्दी करो। बुला लो स्वामी, उनको बुला लो स्वामी। हे माँ, आप ही ने हमें दो बेटियां दी, अब उनकी सुरक्षा करने का फर्ज भी आप ही का है। मैंने आपकी कितनी पूजा की, मेरी बच्ची को बचा लीजिए माँ। वो जुड़वा पैदा हुई थी और मरने के बाद भी जुड़वा है। उनकी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। आज से पहले हमने कभी जुड़वा आत्माओं को वश में करने का प्रयास नहीं किया है। ये पहला अवसर है। हमें उन दो लोगों की अस्थियां चाहिए जिनकी मृत्यु लक्ष्मी की बहन के हाथों हुई थी। ठीक है स्वामी। चार काली लोहे की कीलें चाहिए और 100 नींबू। हम विकृत चक्र की विधि की सहायता से बड़ी बहन के शरीर को छोटी बहन की आत्मा से अलग कर देंगे और काले के चक्र में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी के शरीर को जला के राख कर देना और उसकी बहन की आत्मा अपने आप नष्ट हो जाएगी। पर क्या स्वामी? विधि पूरी होने से पहले हम में से किसी एक के प्राण चले जाएंगे। काली माता को बलि तो देनी ही पड़ेगी ना। तो आप में से कौन मरेगा? वो नहीं पता। मरने वाले की मृत्यु की भरपाई तुम कैसे करोगे? मैं पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या कहा, सिर्फ 1 करोड़ रुपए? तो 2 करोड़। स्वामी, आधी जायदाद आपको दे दूंगा। जाओ विधि की तैयारियां करो। जय काली, नमो नमः। जय काली, नमो नमः। आजा। भूत भविष्य प्रेत आत्माओं की देवी काली माता कालिका, तेरी शक्ति अपरंपार अपरंपार है। तीनों जगत की जग जननी। इसको कैद कर लो। इसको कैद कर लो। ये शाबाश रिका, कैद में है बुलबुल। क्या रे, तू मुझसे अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई थी? आजकल तो इंसानों के पास बदला लेने का टाइम नहीं है। तुम आत्माएं फटे में पैर क्यों डाल रही हो? ए वैकुंठ। हाँ, अब मैं तुझे वैकुंठ भेज के रहूंगा। ए, पहले भी तू मेरे हाथों मर चुकी है और अब मैं तुझे एक बार फिर से मारूंगा। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? तुझे देख के आती है। ए स्वामी, इसकी वजह से मेरी दांतों की नींद हराम हो गई है। इसको खत्म कर दो स्वामी, तभी मुझे चैन मिलेगा। जय काली, तेरी शक्ति अपरंपार। आत्मा अलग हो जा। मुझसे दुश्मनी की तूने, अब तेरा गेम ओवर। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथी राहुल और मेरे प्यारे भाई को मार डाला। ए, मुझे पता नहीं कि एक इंसान 2 बार पैदा हो सकता है या नहीं, पर तुझे अपने ही हाथों से 2 बार मारकर मैं जश्न मनाऊंगा। तुझे इसी शरीर से हिम्मत और ताकत मिलती है ना, आज इसी शरीर को जला के भस्म कर दूंगा। ए, पेट्रोल लेके आ। रिका, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तंत्र बाधम नश्यत है। धूम धूम तंत्र बाधम नश्यत है। त्रिकाल काली नाश करो।
धूम धूम तंत्र बाधम नशय तथा। ये बाहर कैसे निकली? नाश करो। ये आत्मा काली की कैद से बाहर कैसे निकली? ये छोटी बहन की आत्मा नहीं है, जज लक्ष्मी की आत्मा है। जज लक्ष्मी? अब तक लक्ष्मी की आत्मा कहाँ थी? ये अचानक किधर से आ गई? हमारी विधि से काम उल्टा हो गया। काम उल्टा हो गया मतलब? नष्ट होने की बजाय लक्ष्मी की आत्मा वापस आ गई। ये तो क्या बकला है? हाँ? मैंने जितनों को मारा उन सबकी आत्मा को यहाँ बुलाएगा क्या? इसको खत्म कर दे। इसे बांध दो ताकि ये हमारे आगे की विधि में बाधा न डाले। बांधो, बांधो, बांधो। ना? ओम क्रीम कालिके नमः। ओम क्रीम कालिके नमः। ओम क्रीम कालिके नमः। इधर कोई नहीं है भाई। कालेश्वर त्रिंबकेश्वर भोले बाबा निजात दिलाओ। ओम क्रीम कालिके नमः। 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 इधर आओ, इधर आओ, मुझे बचाओ, मुझे घेर लो, बचाओ मुझे। कुछ नहीं होगा, उठो हमें। जा जा देख भाई। ओम क्रीम कालिके नमः। ओम क्रीम कालिके नमः। कहाँ भागेगा? मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मुझे जो चाहिए तू देगा? तो फिर मुझे उन लड़कियों की जिंदगियां वापस कर जिन्हें तूने बर्बाद किया, उनके माँ बाप का प्यार वापस कर जो तेरी वजह से छिन गया, वापस दे। नहीं दे सकता ना, तेरे जैसा पापी समाज के लिए एक खतरा है। मैं तुझे आज मौत की सजा दूंगी। प्रिया दीदी, माँ और पापा का ख्याल रखना बहना। मत जाओ दीदी, दीदी प्लीज मेरे साथ जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी पगली, तेरे साथ उसी तरह रहूंगी जिस तरह तू मेरे साथ रहती थी। मैं आपके बिना नहीं जी सकती दीदी, दीदी प्लीज मत छोड़ के जाओ। रो मत, ये तो हमारा भाग्य है छोटी, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मत जाओ दीदी, दीदी प्लीज मत जाओ। इन पैसों से अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़कियों के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दो, आगे जाके ये इन्हीं लड़कियों के काम आएगा। इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर रही हैं, आप हैं कौन? मैं वही जो जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती है, आपकी लक्ष्मी।